जय श्री राधा माधव सद्गुरु देव भगवान की जय हो। परम श्रद्धेय श्री सेठ जय दयाल गोयनका जी की पुस्तक से आज सेठ जी कह रहे हैं, अविश्वास ही हमारा अपराध है। जिसे पूरा विश्वास है उसे पूरा फल मिलता है। परमेश्वर के प्रभाव और तत्व को समझते ही अत्यंत श्रद्धा हो जाती है, उसके साथ ही अतुल प्रेम हो जाता है। जो विश्वास पूर्वक श्रद्धा के साथ भगवान का प्रेम भरे हृदय से नाम लेता है, उन्हें प्रत्यक्ष शांति और आनंद मिलता है। नाम के प्रति हमारे हृदय में यथार्थ श्रद्धा नहीं है, हृदय का आकर्षण और प्रेम नहीं है, निष्काम भाव नहीं है, आदर बुद्धि नहीं है, इसी से सफलता नहीं मिलती। प्रत्येक भाई बहन को अपने कल्याण के लिए नित्य नियम पूर्वक अधिक से अधिक संख्या में भगवान नाम का जप करना चाहिए। रोज जितना करते हैं उससे अधिक करने की चेष्टा करनी चाहिए। साधक को भगवान के प्रेम में विहल होकर निष्काम भाव से नित्य निरंतर दिन रात कर्तव्य कर्मों को करते हुए भी ध्यान सहित श्री भगवान नाम जप की विशेष चेष्टा करनी चाहिए। आलस्य और प्रमाद का परित्याग करके जिस किसी प्रकार से भी हो उठते बैठते सोते और संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करते हुए सदा सर्वदा भजन करने का अभ्यास करना चाहिए। संसार के समस्त विषयों को विष के लड्डू समझते हुए उनसे मन हटाकर श्री परमात्मा के पावन नाम के जप में लग जाना ही परम कर्तव्य है। जो परमात्मा के नाम का जप करता है, दयालु परमात्मा उसे शीघ्र ही भवबंधन से मुक्त कर देते हैं। इस अनित्य क्षणभंगुर नाशवान संसार के समस्त मिथ्या भोगों को छोड़कर उस सर्वशक्तिमान न्यायकारी शुद्ध परम दयालु सच्चे प्रेमी परमात्मा के पावन नाम का निष्काम प्रेम भाव से ध्यान सहित सदा सर्वदा जप करते रहना चाहिए। जीवन का सदव्यय भजन में ही है। यदि अभी परमाद से इस अमूल्य सुअवसर को खो दिया तो पीछे सिवाय पश्चाताप के और कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। जय श्री राधा माधव।